में योगी राज 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। कल शपथ हुई और आज दूसरे कार्यकाल का पहला दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले दिन से एक्शन मोड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन में ये बैठक बुलाई गई है। माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों को धरातल पर लाने को लेकर के चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही मंत्रिपरिषद में कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राजभवन में सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। रमापति शास्त्री के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। ये बैठक लखनऊ के योजना भवन में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को संबोधित करेंगे और इससे पहले कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी मंत्रियों को जोश काफी ज्यादा हाई दिखा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद से ही एक्शन में नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 10 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगा। 11:30 बजे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं और चुनाव के दरमियान जितने भी वादे किए थे उन सबको पूरा करने के लिए अब पार्टी और टीम काम कर रही है। 10 बजे मंत्रिपरिषद की काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है। कई अहम फैसले लिए जाएंगे और प्रोटेम स्पीकर का आज ही शपथ होना है और साथ ही अधिकारियों के साथ 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं और चर्चा होगी इस बात को लेकर के कि किस तरीके से अब प्रदेश के हित में काम करना है, विकास को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है। और बहुत शानदार टीम है इस बार की मंत्रिपरिषद, बहुत शानदार है और उसमें हर प्रकार का कहिए कि गुण भरा हुआ है पूरी मंत्रिपरिषद के अंदर। जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को अंतिम जो उत्तम प्रदेश बनाना, नंबर एक बनाना है, उसके लिए क्या क्या करना है। मैं तो जानता था कि बहुत हमें ज्ञान है, लेकिन लगा इस कैबिनेट में कि समाज की असली सेवा कैबिनेट से, यहाँ से, शासन से किया जा सकता है। तो कौन सा पोर्टफोलियो पसंद करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अपने लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है तो आज शासन का साथ, सेवा करना है तो शासन का साथ, और शासन से सेवा होता पोर्टफोलियो से नहीं होता। लोगों को ईमानदारी और निष्ठा से काम करना है और हर क्षण का उपयोग करना है, जिससे कि जो लोगों ने हमें वोट और सपोर्ट दिया है ये पद उनके लिए है एक्चुअली में, और हम लोगों को उन्हीं के लिए काम करना है। महिला होने के नाते जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। इस बार अच्छी खासी संख्या बीजेपी की जीत के पीछे महिला वोटर्स की भी रही है, तो ऐसे में उन तक सरकार पहुंचे उसके लिए क्या कुछ खास कवायद रहेगी? उस तक हमारा ये मिशन है कि हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे, समूह के माध्यम से जोड़ेंगे और छोटे छोटे रोजगार देकर आर्थिक रूप से सरल बनाने का प्रयास करेंगे और जो योजनाएं हैं उनको कार रूप में जमीन पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी महिला सशक्तिकरण की भावना तेज हो और महिलाओं में कहीं भी मतलब स्वावलंबन भी जब आएगा तो वास्तव में मजबूती खड़ी हो जाएगी। महिलाएं जो घबराती हैं उनकी घबराहट दूर करके उनको स्ट्रांग बनाने का काम। और चलिए एक मिनट में कुछ अहम खबरें आपको बता दें। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासत लगातार जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिल्म को लेकर के केंद्र पर निशाना साधा और वहीं बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार ने इसकी तारीफ की है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर चल रहा है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। कश्मीर फिल्म पर ताजा सियासी बयान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। गहलोत ने अपने बयान में फिल्म को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र पर हमला बोला। ये देश की दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता। जो राज चल रहा है, शासन चल रहा है देश का, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये एक मुद्दा है। तो नेता सियासत कर रहे हैं तो बॉलीवुड के अभिनेता फिल्म कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। इधर नासिक में भगवा स्कार्फ पहनकर फिल्म देखने पहुंची महिलाओं की टोली से पुलिस ने स्कार्फ उतरवा लिए। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। और बीरभूम हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंसा मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। पूरी खबर एक मिनट में आपको दिखाता है।
पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुरहाट हिंसा मामले में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की टीम आज मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सबूत और घटना का असर बताता है कि राज्य पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती, लिहाजा सीबीआई इसकी जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि सीबीआई 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेगी। सीबीआई जांच का आदेश आने के बाद ममता सरकार ने एसआईटी जांच रोक दी है। अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप देगी। दूसरी तरफ टीएमसी ने राज्यपाल पर हिंसा मामले को लेकर सियासी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है, जिसका राज्यपाल ने जवाब दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि उनके खिलाफ टकराव पैदा करने का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर अगर उन्हें काम करना होगा तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। और 5 राज्य में चुनावी हार के बाद सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी को मजबूत करने को लेकर के कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय दफ्तर पर होगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की इस बैठक में सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आंदोलनों की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई है। वो पार्टी के सदस्यता अभियान और आगे होने वाले जन आंदोलनों से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही गुजरात, हिमाचल समेत आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बैठक से पहले गुजरात के लिए पार्टी ने उलटफेर किया है। उमंग सिंघार, वीरेंद्र राठौड़, पीएम संदीप और रामकृष्ण ओझा को गुजरात का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अहमदाबाद और अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।